ओके क्लास क्लास इस लेक्चर में हम पिन डायग्राम पढ़ेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। हर एक पिन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक पिन एक फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। एंड सो क्लास इसमें भी मैं हर एक पिन को बहुत अच्छी तरह से एंड बहुत प्रिसाइसली समझाऊंगी, सो उसको नोट डाउन कर लेना। ओके सो हमारी जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 है वो दो इनपुट पिन्स हैं जो डिनोट होती है एज X1 एंड एज X2। ठीक है, सो जो हमारी पहली पिन और दूसरी पिन है वो हमारी इनपुट पिन्स होती है X1 और X2। 8085 में हमारा एक इनबिल्ट क्लॉक जनरेटर सर्किट होता है जो जनरेट करता है क्लॉक पल्सेस को। सो अगर हमें इन ऑर्डर हमें जनरेट करना है क्लॉक पल्सेस को, सो हमारा एक ऑसिलेटर होता है जो हमारा प्लेस्ड होता है बिटवीन द इनपुट X1 और बिटवीन द पिन्स X1 और X2 के बीच में। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि 8085 में एक इनबिल्ट क्लॉक जनरेटर होता है जो जनरेट करता है क्लॉक पल्सेस, एंड हमें अगर जनरेट करना है अपनी ऑसिलेशंस को सो हमें एक ऑसिलेटर प्लेस करना पड़ता है बिटवीन X1 और X2 के बीच में। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आए। देन पिन नंबर आई होप समझ आया होगा। एंड पिन नंबर 3 जो है वो हमारी आउटपुट पिन होती है, एक जो होती है हमारी रीसेट आउट। पिन नंबर 3 जो है वो हमारी रीसेट आउट पिन है। रीसेट आउट जो हमारी आउटपुट पिन है, जब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो लॉजिक 1 सेंड करता है इस पिन में, सो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होती है वो रीसेट हो जाती है। ठीक है, तो रीसेट आउटपुट आउट जो है वो एक आउटपुट पिन है, और जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर सेंड करता है लॉजिकल 1 इस पिन को, सो जो भी पेरिफेरल्स हमारे कनेक्टेड होती है विद द माइक्रो प्रोसेसर वो रीसेट हो जाती है। ओके, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 जो है वो हमारी SOD पिन और SID पिन है। ठीक है, एक हमारी SOD पिन है और 5 मेरी SID पिन है। सो मैंने आपको बताया था कि SOD पिन और SID पिन क्या होती है, सीरियल आउटपुट डेटा और पिन और सीरियल इनपुट डेटा पिन। सो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सीरियल आउटपुट डेटा पिन जो होती है वो डेटा लेती है माइक्रो प्रोसेसर से पैरेलल फॉर्म में और उसे ट्रांसमिट करती है सीरियली, वाइल जो SID पिन होती है वो रिसीव करती है डेटा सीरियली इनपुट डिवाइस से और प्रोवाइड करती है डेटा माइक्रो प्रोसेसर को इन पैरेलल फॉर्म। ठीक है, सो बेसिकली सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन करते हैं दोनों पिन्स। ठीक है, सीरियल। ठीक है, अब हमारी जो पिन नंबर 6 से पिन नंबर 10 तक है वो हमारी इंटरप्ट पिन्स हैं। जो मैंने आपको 5 इंटरप्ट पिन्स बताई थी, 5 इनपुट इंटरप्ट पिन्स बताई थी, जो है मेरी ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ये मेरी 5 इंटरप्ट पिन्स हैं जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में भी एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, जो हमारी ये पिन्स हैं बेसिकली 8085 में ये इंटरप्ट्स का भी हमारा एक टॉपिक आता है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें आपको इसके ये बता रही हूँ कुछ, जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ कि जो हमारा ट्रैप पिन है वो हमारी हाइएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, हाइएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। ठीक है, बेसिकली इंटरप्ट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट होते हैं और नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। मास्केबल इंटरप्ट्स जो होते हैं वो उन टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं जो हमारे ब्लॉक हो सकते हैं, और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स जो होते हैं जो हमारे ब्लॉक नहीं हो सकते। सो प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट्स जो होती है वो हमारी सेट होती है। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है सो हमें उसको बेसिकली सॉल्व इंटरप्ट आते ही हमें मेमोरी लोकेशन में डायरेक्टली जंप करना पड़ता है। सो हर एक इंटरप्ट जो होता है उसको एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइडेड होती है कि बाय चांस अगर ये इंटरप्ट आता है सो हमें उस मेमोरी एड्रेस में जंप करना होता है, जिसे हम ISR या वेक्टर एड्रेसेस भी बोलते हैं। ये मैं आपको प्रॉपरली इंटरप्ट टॉपिक में समझाऊंगी, जिसमें आपको एक ब्रीफ बताया। ओके, देन हमारी पिन नंबर 11 जो है वो मैं आपको बताया था कि इंटरप्ट्स के साथ हमारी एक आउटपुट पिन भी लगी होती है जो होती है हमारी INTA बार। ये मेरी एक आउटपुट पिन है और जो है INTA बार जो होती है वो इंटरप्ट एक्नॉलेज बार होती है। बार का मतलब होता है ये एक्टिव लो पिन होती है,
मतलब जब इसका अगर जीरो वैल्यू होती है तब ये एक्टिव होती है, वन होती है तो इनएक्टिव हो जाती है. सो बेसिकली एक एक्टिव लो सिग्नल हमारा सेंड होता है इस पिन में ताकि वो एक्नॉलेज कर सके इंटरप्ट को. ओके समझ आया. देन पिन नंबर 12 से 19 तक पिन जो है वो हमारी एड्रेस पिन्स होती है, एड्रेस और डेटा पिन्स होती है. एड्रेस डेटा मतलब एड्रेस की जो लोअर 8 बिट पिन्स होती हैं वो होती है. ठीक है सो वो होती है हमारी AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 एंड AD7. क्लास मैंने आपको बताया था एड्रेस डेटा पिन्स डेटा लाइन्स जो होती हैं वो हमारी बाई डायरेक्शनल होती है. मतलब माइक्रो प्रोसेसर से हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी भेज सकते हैं या पेरिफेरल डिवाइस, और उससे हम माइक्रो प्रोसेसर को भी भेज सकते हैं. तो ये बाई डायरेक्शनल होती है. तो यू नीड टू शो इट बाई डायरेक्शनल एरो के साथ. एंड आपको मैंने ये इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दी थी कि बेसिकली हम बोथ डेटा और एड्रेस को सेम टाइम में नहीं ट्रांसफर करते. सो ये हमारा लाइक एड्रेस और डेटा साथ में सेम 8 पिन्स यूज होती है ताकि हम पिन्स को सेव कर सके. बेसिकली हमारे जो फर्स्ट क्लॉक साइकिल होता है मशीन साइकिल का वो हमारा यूज होता है एड्रेस के लिए, और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए वो डेटा के लिए यूज होता है. सो फर्स्ट क्लॉक साइकिल जो होती है वो एड्रेस बस को लैच करना होता है, जो हमारी एड्रेस लैच अनेबल सिग्नल से होती है. जो एड्रेस लैच अनेबल सिग्नल हम बाद में पढ़ेंगे पिन में. सो मैं आपको ये बता रही हूँ फर्स्ट क्लॉक साइकिल जो होती है उसमें हम एड्रेस को लैच करते हैं लेते हैं, एंड देन रेस्ट हमारा डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है. क्लास पिन नंबर 20 जो है वो हमारी वी एस एस पिन जो होती है ये बेसिकली ग्राउंड रेफरेंस दिखाती है कि ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड है. ठीक है VSS ग्राउंड रेफरेंस दिखाती है. देन क्लास 21 पिन्स से 28 पिन्स जो होती हैं वो हमारी एड्रेस पिन्स होती हैं जो हम शो करते हैं. और मैंने आपको बताया था एड्रेस लाइंस जो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है. माइक्रो प्रोसेसर से हमारा डेटा और लाइक इनपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी को डेटा जाता है, मतलब बिट्स जो होती है वो ट्रांसफर होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर से होती है. सो इट इज A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 एंड A15. ये हमारी एड्रेस लाइंस हो गई. ठीक है उसके बाद हमारी पिन नंबर 29 और पिन नंबर 30 जो होती है वो हमारी स्टेटस सिग्नल्स बताती हैं, जो होती है हमारी S0 और S1. ठीक है 29 और 33 S0 और S1 ये हमारी स्टेटस सिग्नल्स बताती हैं कि बेसिकली ये डिस्टिंग्विश करती है वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस को, जिसका एक मिनट में टेबल बना दूं ताकि आपको समझ आए. S0 और S1 मैंने आपको बताया ये स्टेटस सिग्नल्स होती हैं जो बेसिकली डिस्टिंग्विश करती है वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशंस को. इसका एक टेबल होता है जो आपको याद होना चाहिए, इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार S1 S0 और कौन सा ऑपरेशन बेसिकली बताया डिस्टिंग्विश करती है वेरियस ऑपरेशंस को. तो इनकी वैल्यूज जो होती है वो बताती है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. सो क्लास एक सेकेंड मैं आपको लिख के बताती हूँ. सो यस क्लास मैंने टेबल बनाया, मैं आपको समझाती हूँ. अब आयो और मेमोरी बार मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, वन है तो हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं. सो अगर हमारी इसकी वैल्यू जीरो है और एस वन और एस जीरो हमारा वन है तो हम ऑपकोड फेच करते हैं. ठीक है हम अपना जो ऑपरेशन का कोड होता है हम उसे फेच करते हैं, और अगर वो 10 होता है तो हम मेमोरी को रीड कर रहे हैं, 01 होता है तो मेमोरी को राइट कर रहे हैं इसके लिए. देन हम 1 में आते हैं मतलब हम आयो की बात कर रहे हैं, और दोबारा सिमिलर देखो 10 आया तो हम रीड कर रहे हैं आयो रीड, 01 राइट कर रहे हैं, इस बार आयो का राइट कर रहे हैं. देन दोबारा 11 आया तो हम इंटरप्ट एक्नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि एक्टिव लो पिन होती है. देन जेड जो होता है वो हमारा हाई इम्पिडेंस होता है, एक ट्राई स्टेट होती है.
सो अगर आईओ और मेमोरी की बार जो है हाई इम्पीडेंस वैल्यू है और अगर वो जीरो जीरो है हमारी सिलेक्टेड लाइन स्टेटस लाइंस, तो ये हॉल्ट हो जाता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हॉल्ट हो जाता है, वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, वो हॉल्ट स्टेट में चला जाता है। एंड अगर इसकी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, एक्स मीन्स अनस्पेसिफाइड, तो आइदर वो होल्ड हो सकता है या आइदर वो रीसेट हो सकता है। सो आपको मैंने एस जीरो और एस वन पिन समझा। सो हमारी अब जो पिन नंबर 30 है वो है ALE एड्रेस लैच अनेबल। एड्रेस लैच अनेबल जो होता है, ये पिन होती है जो बेसिकली अनेबल और डिसेबल करता है लैचेस को, ताकि वो स्टोर कर सके एड्रेसेस को। तो दैट मीन्स दिस पिन इज यूज टू अनेबल और डिसेबल द लैचेस इन ऑर्डर टू स्टोर द एड्रेस। ये पिन जो होती है ये हाई होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ मशीन साइकिल एंड ये रिमेन लो रहती है फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लॉक साइकिल। बिकॉज मैंने आपको क्लास बताया था जब हम लाइक इसकी बात कर रहे थे एडी जीरो एंड मतलब एड्रेस डेटा लाइन्स की, इसमें मैंने आपको बताया था कि मशीन साइकिल में फर्स्ट क्लॉक साइकिल जो होती है उसमें हम एड्रेसेस को लाइक लैच करते हैं एंड रेस्ट टाइम में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें हम जब एड्रेस को लैच कर रहे हैं तो इसका मतलब एड्रेस लैच अनेबल जो है वो हाई रहेगा फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ मशीन साइकिल के लिए, एंड रेस्ट साइकिल के लिए वो जीरो ही रहेगा जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एड्रेस लैच अनेबल बिकॉज ये लैचेस को अनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज होती है ताकि वो स्टोर कर सके एड्रेसेस को। ठीक है, ये आपको समझ आया। देन हमारी जो पिन नंबर 31 और 32 पिन है वो है हमारी राइट बार और रीड बार। ये मैंने आपको बताया था कि राइट बार और रीड बार जो है ये हमारी दो कंट्रोल पिन्स हैं जो एक्टिव लो सिग्नल में है, मतलब ये एक्टिव होगी जब लॉजिक जीरो सेंड होगा इस पिन को, और ताकि हम ये पिन जो होती है ये डिसाइड करती है कि वेदर हम परफॉर्म करें रीड ऑपरेशन या हम परफॉर्म करें राइट ऑपरेशन को। ठीक है, पिन नंबर 30 जो होती है वो हमारी आयो मेमोरी बार होती है। ये पिन जो होती है ये डिसाइड करती है कि वेदर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा कम्युनिकेट करेगा आयो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ या मेमोरी के साथ। अगर इस पिन की वैल्यू 1 है तो आयो डिवाइस हमारी सिलेक्ट होती है, और अगर इस पिन की वैल्यू 0 है तो मेमोरी हमारी सिलेक्ट होती है। ठीक है, और अब हमारी जो पिन नंबर 35 है वो हमारी रेडी पिन है। रेडी पिन जो है वो अगर इफ रेडी पिन जो है हमारी अगर वो 1 होती है तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कंटिन्यू करता है अपना नॉर्मल ऑपरेशन, और अगर इसकी वैल्यू 0 जाती है तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एंटर करता है इनटू आइडियल स्टेट और कुछ परफॉर्म नहीं करता एंड परफॉर्म्स नथिंग। ठीक है, एंड पिन नंबर 36 जो है हमारी वो रीसेट इन पिन होती है। रीसेट इन पिन बा इनपुट पिन है, आपको पता चल रहा है नाम से ही रीसेट इन। सिमिलर ये हमारी एक्टिव लो पिन होती है, अगर ये एक्टिव लो सिग्नल इसमें प्रोवाइड होता है तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हमारा रीसेट होता है, और रीसेट आउट में मैंने आपको बताया था कि अगर ये पिन हमारी एक्टिव होती है तो जो माइक्रो प्रोसेसर जो पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच होती है वो रीसेट होती है, लेकिन रीसेट इन पिन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है। ठीक है, देन पिन नंबर 37 जो होती है वो हमारी क्लॉक आउट पिन होती है। ये हमारी आउटपुट पिन होती है, ये पिन जो होती है कनेक्टेड होती है हमारी क्लॉक इन पिन के साथ जो हर एक सारी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ अटैच होती है, ताकि ये प्रोवाइड कर सके क्लॉक पल्सेस को एक सिंक्रोनाइजेशन मैनर में, ताकि हमारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस है सारी सिंक्रोनाइज रहे माइक्रो प्रोसेसर के साथ। ठीक है, बेसिकली ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है हमारी। पिन नंबर 38 जो होती है वो हमारी HLDA पिन होती है, और जो पिन नंबर 39 होती है वो हमारी होल्ड पिन होती है। तो क्लास ये जो दो पिन्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। सो बेसिकली जो हमारी आयो डिवाइस होती है उसको कभी कभी कम्युनिकेट करना होता है मेमोरी के साथ, या मेमोरी को कम्युनिकेट करना होता है आयो डिवाइस के साथ। सो बेसिकली ये सेंड करता है रिक्वेस्ट एक डीएमए चिप को डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस चिप को ऑन DRU पिन, जो फॉरवर्ड करती है हमारी रिक्वेस्ट टू होल्ड पिन को, सेंड करती है माइक्रो प्रोसेसर को कि हमारी मेमोरी और आयो डिवाइस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो रिसीव करता है लॉजिकल 1 ऑन होल्ड पिन, तो वो अपनी करंट इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर वो अपनी ट्रांसफर कर देता है कंट्रोल सारी बसेस का डीएमए को ट्रांसफर कर देता है, ताकि वो लोग माइक्रो मेमोरी और
इनपुट आउटपुट डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके बाय गिविंग एक्नॉलेजमेंट टू HLDA पिन. ठीक है, इन शॉर्ट टर्म मतलब कि जब हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना होता है या मेमोरी को कम्युनिकेट करना होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, तो वो DMA चिप को रिक्वेस्ट भेजती है थ्रू DRQ पिन के थ्रू. और DRQ पिन जो होती है वो फर्दर मैसेज भेजती है या सिग्नल भेजती है टू होल्ड पिन माइक्रोप्रोसेसर के पास रिक्वेस्ट का कि उनको कम्युनिकेट करना है. तो होल्ड पिन जो होती है वो माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजती है, तो माइक्रोप्रोसेसर अपना करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके अपनी कंट्रोल बसेस का ट्रांसफर कर देता है टू DMA और एक्नॉलेजमेंट भेजता है HLDA को कि मैंने अपनी पिन्स भेज दी हैं और मैं वेट स्टेट पे चला गया हूं एंड तुम फर्दर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हो. तो जब फर्दर हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो कंट्रोल बसेस का दोबारा ट्रांसफर हो जाता है माइक्रोप्रोसेसर के पास ताकि वो परफॉर्म कर सके नॉर्मल ऑपरेशन को. ठीक है, और लास्ट पिन जो पिन 40 होती है वो हमारी VCC पिन होती है. VCC पिन जो होती है वो बेसिकली हमारी +5 volt पावर सप्लाई होती है. ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन 8085 में कि वो +5 volt पावर सप्लाई यूज करते हैं टू परफॉर्म द ऑपरेशन. सो मैंने आपको पिन डायग्राम ऑफ 8085 समझा दिया, हर एक पिन मैंने ढंग से समझाई है. एंड अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को रिपीट करो और समझो और हर एक पिन का नोट डाउन करो बिकॉज ये पिन आपसे पेपर में पूछी जाती है. ओके, अगर फर्दर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे लिखो. ओके, थैंक यू.